नागरिकों ने और लोग उसका
नारी गरिमा के प्रतीक को भी सम्मान देने के लिए, आदि आबादी को सम्मान देने के लिए, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं टीआरएस की, केसीआर की सरकार से कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना का हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया, हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं ली। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये MIM की असलियत को बताने का कार्य करता है। और भाइयों बहनों, यहां पर मान कर सकते हैं
यहाँ पर तो उनके द्वारा सत्ता को चकटने का जो प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं, क्या ये स्वीकार्य होनी चाहिए क्या? क्या ये विकास के लिए अनिवार्य है क्या? विकास अगर देखना है, 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का विकास हुआ है, जिन गरीबों के पास शौचालय नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ हुआ था, हर गरीब को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक पैलेट मुफ्त में देने का कार्य किया, जहां की राज्य सरकार जितना ले जा सकती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 परिवारों को हमने एक एक पैलेट उपलब्ध करवाया। पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। 3 करोड़ गरीबों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। 4 करोड़ गरीबों को सौभाग्य योजना के अंदर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी का लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पूरे देश के अंदर 8 लाख लोट मसोट को फिर से निजामशाही का पर्याय बनाने वाली, यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लोट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके फिर से विकास की नई उपलब्धियों तक पहुंचाना है, ये हम सबको तय करना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं जानता हूं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ की सरकार का रवैया कितना खराब है, कैसे वहां यहाँ पर एक तरफ जनता के हकों को लूट खसोट करने का कार्य कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़न करने का कार्य भी MIM के बहकावे में आकर के करने का कार्य कर रही है। लेकिन हम सबको इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़नी है और इस नई लड़ाई के लिए आज आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं भी मर्यादा प्रसन्न भगवान सिंह नाम की धरती से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना दो पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था और फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर, मित्रों कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं, भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक, यहाँ के विकास का प्रतीक, और भाग्यनगर बनाने की, इसको समृद्धिशाली बनाने की, यहाँ के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने की, यहाँ के नागरिकों को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है भाग्यनगर बनाने की प्रक्रिया का एक कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने आज यहाँ पर देखा यहाँ की सरकार यहाँ पर एक नदी के अतिक्रमण को हटाने के कारण यहाँ पर लोगों को बाढ़ की त्रासदी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत नदी संस्कृतियों का देश माना जाता है, और भाइयों बहनों नदी
रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से उत्तर भारत में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अविरल गंगा निर्मल गंगा के कार्य को सार्थक किया है और मैं इस बात को कह सकता हूं, गंगा देश की बड़ी पवित्र नदी है, देवतुल्य नदी है। आज आप जाएंगे न केवल गंगा नदी में स्नान बल्कि गंगा का जल आचमन करने लायक फिर से नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से हो गया है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज वहां पर नमामि गंगे परियोजना का कार्य पूरी मजबूती के साथ कार्य वहां पर हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक नदी यहां पर भी है लेकिन भाइयों बहनों टीआरएस की सरकार उस नदी को और भी प्रदूषित करती है। उस नदी की अविरलता निर्मलता इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि एमआईएम से जुड़े हुए लोगों ने वहां पर अवैध कब्जे करके यहां के नागरिकों को बाढ़ से पूरी तरह डुबोने की साजिश का हिस्सा बना करके कब्जा किया है और टीआरएस और एमआईएम की मित्रता यहां पर इस पवित्र नदी की अविरलता और निर्मलता में बाधक है। और इस विषय में कह सकता हूं, ये जो नापाक गठबंधन यहां पर बना है, ये नापाक गठबंधन यहां के विकास को अवरुद्ध कर रहा है, जनता की बुनियादी सुविधाओं को लूट खसोट का जरिया बना रहा है। यहां पर हैदराबाद के बारे में जब चर्चाएं सामने आती हैं, यहां का प्रत्येक नागरिक परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसी भी कार्य के लिए जिस तरीके से उन्हें पैसे की डिमांड होती है, विकास के कार्यों में लूट खसोट प्रारंभ होती है। इस स्वाभाविक रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहां के सरकार और यहां का कॉरपोरेशन में जो लोग अब तक रहे हैं, इन लोगों का विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। और इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच यहां पर उपस्थित हुई है। कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपके बीच आकर के यहां की जनता का आह्वान किया और कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं यहां पर प्रहार करके एक बार फिर से आप सबका आह्वान करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं भी अयोध्या का संदेश और उत्तर प्रदेश का संदेश लेकर के आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए, एक पारदर्शी और शिष्टतापूर्ण विकास के लिए, एक अच्छा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। और भाइयों बहनों, इस सम्मान में आप सबका मैं आह्वान करूंगा, संकल्प भारतीय जनता पार्टी का और उत्साह यहां के युवक में दिखाई दे रहा है, यहां के नौजवानों में दिखाई दे रहा है, यहां की बहनों में दिखाई दे रहा है, यहां के समाज के प्रत्येक तबके में दिखाई दे रहा है। ये उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि अब बहुत दिनों तक निजाम शाही के पिछलों को बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे, अब यहां पर भाग्यनगर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी यहां के इस भाग्य के निर्माण के लिए आज आपके बीच में आई है। आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चिन्ह क्या है, कमल का फूल लोटस, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मैं सचमुच आपने
इस उत्साह के लिए आप सबका आभारी हूं और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, COVID-19 के खतरों को देखते हुए अयोध्या में जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया था, तब मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैं पिछली बार माननीय मुरलीधर राव जी के साथ उनके पैतृक गांव में गया था और वहां पर मैंने देखा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया था और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उस समय मैं हैदराबाद से भी बड़ी संख्या में राम भक्तों को अयोध्या में आमंत्रित करूं और मैं आप सबका आह्वान करूंगा जब 3 वर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से भारत की आस्था पर सबका विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भाइयों बहनों, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अच्छा प्रशासन दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हाले करिए और विकास तो दिल्ली के माध्यम से सीधे आपके द्वार तक पहुंचाने का कार्य मोदी जी स्वयं कर देंगे। उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज तो आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट में DBT के माध्यम से पैसा देने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान के खाते में पैसा सीधे देने का कार्य किया। वहां पर ऐसा नहीं, मोदी जी तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता को शासन की योजना का लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। अलग बात है KCR की सरकारें काम करने में विफल है, इस काम को नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने गलत मित्र चुने हैं। MIM को साथ लेकर के उनके द्वारा यहाँ की जनता को लूटने का जो कार्य हो रहा है ये नहीं हो पाएगा, बशर्ते ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन आता है और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पैसा DBT के माध्यम से गरीबों के खाते में, चाहे वह आवास योजना का पैसा होगा, जनधन अकाउंट का पैसा, पार्टी का प्रशासन आता है और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पैसा DBT के माध्यम से गरीबों के खाते में, चाहे वह आवास योजना का पैसा होगा, जनधन अकाउंट का पैसा होगा, किसी भी शासन की योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का एक भारी कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। आज के इस अवसर पर उत्साह इस रोड शो कार्यक्रम में आप सबने दिखाया है, आप सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी समर्थन देने के खिलाफ सबके करते हुए मैं वाणी को देता हूं।